हेलो भैयो, व्हाट्स इज अप? इट्स विनान गेमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, लगभग 3 मंथ बाद दोबारा वीडियो आ रहा है, मतलब कि हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और एक तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हम सीटीएस स्काईलाइन काफ़ी ज़्यादा खेलते थे शुरू में भी, और फिर बाद में भी सीटीएस स्काईलाइन हम कुछ ज़्यादा ही खेलते थे। तो सीटीएस स्काईलाइन का जो सीटीएस स्काईलाइन का जो सेकंड गेम है, यानी सिटी स्काईलाइन 2, वो आने वाला है। और उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस का मतलब जैसे कि रोड वगैरह का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है। तो वही हम लोग उसके ट्रेलर देखने वाले हैं और उस पर रिएक्ट करने वाले हैं, और देखने वाले कि उसमें क्या क्या ऐसा चेंज होने वाला है जिसका इतना हाइप बन के रख गया। और अभी तो इंडिया में सिटी स्काईलाइन काफ़ी ऊपर हाई, मतलब कि जो उसका गूगल का ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया, एक बाइक से ऊपर उठ गया। जब हम खेलते थे तो मतलब बहुत सारा कम ऑडियंस देखता था मैं, और कुछ बहुत सारे यूट्यूबर, मतलब 10-15 यूट्यूबर खेलते थे, और साथ में सबसे ज्यादा खेलते थे वो मैट गोनियन, जिनका 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। और वो देखते हैं अभी और ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं हम लोग। ऑल राइट भाइयों, तो अभी हम फुल स्क्रीन करके ट्रेलर को करते हैं स्टार्ट। ऑल पोर्ट्रेट कैप्चर इन गेम, यानी कि गेम डेवलप हो चुका है और बस रिलीज करना बाकी है। ऑल राइट, तो अभी तो जैसे कि रोड का स्ट्रक्चर काफी सही कर दिया, नहीं तो पहले क्या होता था कि स्टीम पे से जो थर्ड पार्टी लोग बनाते थे उन्हें डाउनलोड कर करके और एज अ मोड यूज करना होता था, लेकिन अभी तो रोड काफी अच्छा बना दिया है बनाने का इसमें। एवरी होम, यानी कि हम लोग अलग अलग शायद से इसमें ये हो सकता है कि हम लोग एक एक करके घर को भी प्लेस कर सकते हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम लोग ग्रिड में सिर्फ वो कर देते थे और घर ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें हमारे पास चॉइस होगा कि हम खुद से बना ले। ये तो शायद उसमें भी आ चुका है ना, वो मोड में तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन पता नहीं अब गेम आने के बाद ही मालूम चलेगा। उसका उसके लिए 24 अक्टूबर को इंतजार करना होगा। ऑल राइट एवरी होम, ये जो ट्रेम है, ट्रेम को पहले बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता था। जैसे कि ये रोड से होके ट्रेम ये नहीं आ सकता था, लेकिन अब ये रोड पे होके भी आ सकता है, तो ये काफी अच्छा चीज हो गया है। नहीं तो पहले अननेसेसरी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था इसके लिए। ऑल राइट स्काई क्रेपर्स के भी मतलब इसमें मतलब लग रहा है कि पूरा गेम ऐसा होगा कि जो चेंज होने वाला है गेम, जो कि काफी अच्छा होगा। ऑल राइट, तो शायद से नए नए बिल्डिंग्स भी जो है इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, देखना होगा कि कैसे क्या कैसे इंट्रोड्यूस होगा। होली शिट, काफी अच्छा भी हो जाए। ऑल राइट, तो रोड और वो जो बनाने का ग्रिड बनाने का स्ट्रक्चर है उसको भी इन लोगों ने डेवलप कर दिया है, चेंज कर दिया, मतलब कि पहले एक एक करके ग्रिड बनाना होता था, लेकिन अब हम एक साथ ही बना सकते हैं शायद से। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, होली शिट ब्रो, होली शिट, काफी अच्छा बनाया है। कौन बनाया है इसे? शायद से इसे $2 ने बनाया है। $2, हाँ $2 ने ही शायद से इसे बनाया है। उसका वीडियो हम काफी ज्यादा देखते थे। सबसे पहले हम वो जो इंजीनियर करके है, एक मिस्टर इंजीनियर, उसका करके वीडियो देखा करते थे, और फिर $2 का वीडियो काफी ज्यादा मैं देखा करता था। ऑल राइट, तो प्री ऑर्डर भी खुल गया है, प्री ऑर्डर नाउ, प्री ऑर्डर भी करना पड़ेगा, और 24 तारीख को शायद से गेम लॉन्च हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे DLC आना स्टार्ट होगा। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तो हम रिटर्न कर चुके हैं, काफी ज्यादा वीडियो जब आने वाली है। ऑल राइट, थैंक यू।